So hello friends, welcome to my channel. So hope you guys are doing well. So in this video, today we will solve the suspense account questions. So without wasting our time, let's go to the question. So question number 245, a trial balance show a debit total of debit of 347,800 and total of credit 362,350 and a credit sale of after adjusting for the error above, what is the balance on the suspense account? So question is asking, so what is the after we will adjust this error, what will the remaining balance on the suspense account? So first, suppose a question having the a total debit of 347,800 and total of the credit 362,350. It means debit sides in debit side suspense account we will open to make the trial balance tally. So let's assume this is our suspense account. Yes, this is suspense account, and what is the balance on debit side? We will minus 347,800 minus 362,350. So in debit side, we will open the suspense account with amount 14,550. So in suspense account, we will forward balances 14,550. So now, point 1 is telling a credit sale of 3,670 was incorrectly entered in a sales day book as a 3,760. So what we have did, credit sales. So in credit sales, our entry is receivables debit 3,670 and sales will be credit with the same amount 3,670. So what we did, we did receivables debit with amount 3,760 and we also did sales entry credit with same amount, so 3,760. So आप लोग देखोगे तो हम लोग का ओरिजिनल एंट्री ये था 3,670. शुड डू में क्या करते हैं, जो ओरिजिनल एंट्री होती है वो डालते हैं, एंड डिड डू में क्या करते हैं, जो हम लोग ने क्या किया उस सही एंट्री के बदले हम लोगों ने क्या कर दिया, एंड टू डू में हम लोग करेक्शन करते हैं. सो फर्स्ट में आप लोग देखे होंगे क्रेडिट सेल हुआ था 3,670 को, बट व्हाट वी डिड, हम लोग ने 3,760 डाल दिया. ट्रांसपोजिशन एरर हो गया बोथ ऑन द डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में भी. तो नाउ क्या करना होगा, कितना से हम लोग ने बढ़ाया, तो 3,760 माइनस 3,670 करो, तो आपको आपने 90 से बढ़ाया है. तो नाउ हम लोग को रिसीवेबल 90 से बढ़ा एंड सेल्स भी 90 से बढ़ा. हम लोग को घटाना होगा. रिसीवेबल घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में रिसीवेबल्स क्रेडिट 90 से करेंगे एंड आप सेल्स जो अमाउंट है उसको डेबिट करेंगे, उसको घटाने के लिए 90. ठीक है, सो ये हमारा डबल साइडेड एरर है, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट नहीं खुला, सो दूसरे में जाएंगे. सस्पेंस अकाउंट वहीं खुलती है जहाँ पे वन साइडेड एरर हो. अगर डबल साइडेड एरर है तो वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है. और यहाँ पे डेबिट साइड कम पड़ रहा है क्रेडिट साइड से, तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में यहाँ पे खोलेंगे ताकि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए, एंड वो डेबिट का बैलेंस हम लोग ने सस्पेंस अकाउंट के यहाँ पे डाला हुआ है. नाउ सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, क्या बोलता है, in non-current assets with a carrying amount of 7,890 was disposed of for 9,000 and only accounting entry was to debit cash. Okay, अगर नॉन करंट एसेट हम लोग डिस्पोज करते हैं उसकी अकाउंटिंग में भी क्या करते हैं, कैश आई कैश, सो डीआर, एंड कितना अमाउंट है 9,000. ओके, एंड उसके बाद डिस्पोजल क्रेडिट करते हैं 9,000. ये हमारी ओरिजिनल एंट्री है, ठीक है. एंड बट हम लोग ने क्या किया, वी डिड ओनली एंट्री टू द डेबिट कैश. हम लोग ने सिर्फ कैश में जो डेबिट होती है हम लोग ने वो सिर्फ डेबिट किया, कैश कैश डेबिट कर दिया एंड क्रेडिट साइड में हम लोग ने कुछ डाला नहीं. तो ये वन साइडेड एंट्री हुई. तो यहाँ पे हमारी सस्पेंस अकाउंट खुलेगी, तो यहाँ पे डालेंगे सस्पेंस क्रेडिट 9,000. ओके, अब इसको करेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, तो सस्पेंस अकाउंट अभी आपका कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, आप इसको डेबिट साइड में डाल दोगे. सस्पेंस आपका डेबिट साइड में जाएगा 9,000, ठीक है. और क्रेडिट साइड में जो एक्चुअल में एंट्री क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, डिस्पोजल का. तो डिस्पोजल आएगा, डिस्पोजल शुड बी क्रेडिट 9,000, ठीक है. अब देखिए हम लोग लेजर बनाते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट साइड में ही जाते हैं लेकिन नाम रखते हैं उल्टा, जो क्रेडिट साइड में जिसका होता है वो उसका नाम लेके जाते हैं. तो सिमिलरली सस्पेंस अकाउंट कहाँ आया, डेबिट साइड में, तो हम लोग डेबिट साइड में जाएंगे और नाम किसका डालेंगे, डिस्पोजल का. तो डिस्पोजल 9,000. ओके, नाउ आपका थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है अलाउंस फॉर द रिसीवेबल वाज इंक्रीज फ्रॉम 8,900 टू 10,200 एंड अलाउंस अकाउंट वाज डेबिटेड इन द ईयर. सो ओके, तो हमारा अलाउंस इंक्रीज कर रहा है कितना से, 10,200 से माइनस 8,900 करेंगे 1,300 आएगा. तो 1,300 अब हमारा ये अलाउंस इंक्रीज कर रहा है. तो उसका एंट्री हम लोग क्या पास करते हैं, जर्नल एंट्री. वी डिड आईआरडी मींस ई रिकवरेबल डेट डेबिट 1,300, ठीक है. एंड अलाउंस क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट 1,300. पर हम लोग ने क्या किया, अलाउंस को हम लोग ने डेबिट कर दिया. मींस आईआरडी तो डेबिट था ही, अगर आपका दूसरे वाले जो एंट्री है उसके बारे में कुछ नहीं कहा है वो एज्यूम करेंगे करेक्ट है. यहाँ पे जैसे आईआरडी के बारे में कुछ नहीं बोला है तो वी विल एज्यूम कि आईआरडी का करेक्ट एंट्री पास हुई है. तो 1,300, बट हम लोग ने क्या कर दिया, अलाउंस को भी, ये अलाउंस को भी हम लोग ने डेबिट कर दिया, ठीक है. सो ये हो जाएगा 1,300. क्रेडिट साइड में तो कुछ नहीं आया, तो क्रेडिट साइड में क्या खुलेगा, सस्पेंस अकाउंट. ये कौन सा एंट्री है, डबल डेबिट एंट्री हो गया. कौन सही रह रही है, डबल टू डेबिट एंट्री. सो सस्पेंस अकाउंट हमारा क्रेडिट में खुल जाएगा क्योंकि क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, बैलेंस तो करना पड़ा ना. तो सस्पेंस क्रेडिट पर अमाउंट क्या हो जाएगा, दोनों का टोटल 2,600. अब हम लोग को करेक्शन करने के लिए, सस्पेंस हमारा क्रेडिट साइड में है तो सस्पेंस को हम लोग लाएंगे डेबिट साइड में, ठीक है. डीआर अमाउंट उतना ही रहेगा 2,600. एंड नाउ वी विल पोस्ट व्हाट विल बी इन द क्रेडिट साइड, अलाउंस हो जाएगा आपका क्रेडिट अमाउंट सेम 2,600. ओके, तो अब ये कहाँ पे है, ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में आएंगे पर नाम क्या होगा, अलाउंस का. अलाउंस कितना से 2,600. तो अब इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आएगा हमारा टोटल, इट विल बी 2,650. यही हमारा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड अमाउंट होगा 2,650 एंड टोटल ये भी यही होगा. कॉपी पेस्ट, ये हमारा आंसर है। आई विल हाईलाइट इट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम लोग इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे तो कहाँ पे आएगा ये ब्रॉड फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा ना, मीन्स लाइक और इधर पता करने बाकी है तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड कहाँ जाएगा आपका डेबिट साइड में, तो आंसर होगा 26150 डेबिट साइड, ए इज द करेक्ट आंसर। सो गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 246, ठीक है। So 246 में क्या बोलता है, which two of the following error could explain this, assuming that Kelvin maintain a control account for its receivable and payable within a double interest system। So एक और बात बता दूं, अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये केल्विन जैसे बोल रहा है कि कंट्रोल अकाउंट मेंटेन करता है, तो अगर आपके जो ऑप्शन में इंडिविजुअल रिलेटेड कोई भी एंट्री है उसको इग्नोर करिएगा, उसको मतलब देखना ही नहीं है, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट करता है तो अगर इंडिविजुअल में गलती हो रही है तो उसको ट्रायल बैलेंस में उसका बैलेंस नहीं जाती है तो वो आएगा ही नहीं। अगर बोल देता है कि हाँ कंट्रोल लाइक इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन करता है, देन वी विल लुक आफ्टर द इंडिविजुअल ईयर आल्सो। ओके, सो यहाँ पे बोल दिया कंट्रोल अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक है। सो अब फर्स्ट में क्या बोल, कौन सा बोल रहा है कि which two of the following error could explain this, assuming that trial balance balance नहीं कर रहा है, इसमें से कौन सा error trial balance balance नहीं करेगा वो पूछ रहा है क्वेश्चन। सो सेल्स डे बुक वाज अंडरकास्ट बाय 100, सो सेल्स डे बुक अंडरकास्ट हो रही है तो इसका बस हम लोग एंट्री क्या करेंगे, सेल्स डे बुक रिसीवेबल 100 एंड सिमिलरली आपका सेल्स सीआर 100, ठीक है। ये पास कर देंगे तो ये यहीं पे खत्म, क्योंकि वो अंडरकास्ट हो रही है, हम लोग को बढ़ाना होगा ना 100 से, तो ये यहीं पे खत्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है आपका, डिस्काउंट रिसीव वेर क्रेडिटेड टू सेल्स रेवेन्यू अकाउंट। तो डिस्काउंट रिसीव का एंट्री क्या होती है, पेबल्स डीआर टू डिस्काउंट रिसीव, यही होती है ना डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, यही होती है। बट हम लोग ने क्या किया डिड्डू में, डिस्काउंट रिसीव वेर क्रेडिटेड टू सेल्स रेवेन्यू, मीन्स पेएबल तो सही किया हम लोग ने, पेएबल का एंट्री हम लोग ने सही किया, बट डिस्काउंट रिसीव को हम लोग ने सेल्स में क्रेडिट कर दिया। सो इट वाज मिस्टेक। सो अब हम लोग क्या करेंगे करेक्शन करने के लिए, सेल्स को गलती से बढ़ा रहे हैं ना तो सेल्स को घटाना होगा, तो सेल्स आएगा आपका डेबिट साइड में, ठीक है। और क्रेडिट में क्या आना चाहिए था, डिस्काउंट रिसीव, ये क्रेडिट आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे भी सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा। थर्ड पॉइंट कहता है ओपनिंग एक्रूअल वाज ओमिटेड फ्रॉम द रेंट अकाउंट। जैसे अब रेंट लाइक इसका एंट्री होती है रेंट डीआर टू एक्रूअल सीआर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कि ये एक्रूअल को ओमिट कर दिया, तो ओमिट करने के बाद रेंट डीआर ही था, हम लोग का एक्रूअल ओमिट हो गया, मींस सस्पेंस खुलेगा सीआर। सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे खुल रही है, इट मींस ये वन साइडेड एरर है तो ये जाएगा ही। सो थर्ड पॉइंट क्या है, डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट वाज अंडरकास्ट, सिर्फ डेबिट साइड कैश अकाउंट, तो हम लोग को डेबिट साइड कैश मतलब आना, तो कैश को बढ़ाना है तो बस इसका डिड्डू क्या होगा, कैश बढ़ेगा डेबिट एंड आपका नेक्स्ट दूसरे साइड में जाएगा सस्पेंस क्रेडिट, यही होगा। इट मीन्स आपका 3 and 4 ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट इज सी, 246 का सी। Now we will move to the question number 247. 247 बोलता है the trial balance of MHSB does not balance at the year end. What type of error may explain this? So extraction error. हाँ extraction error से आपका trial balance बैलेंस नहीं करता। Extraction error like आपका cash book लेजर cash लेजर बना रहे हो या फिर बैंक का लेजर है या कोई भी लेजर है, वहाँ पे बैलेंस लाइक 100 है और आपने जब ट्रायल बैलेंस में उसको लेके आया तो आपने 1000 लिख दिया, तो वो गलती हुई जो ट्रायल बैलेंस ऑब्वियस बैलेंस नहीं करेगा। वन साइडेड इरर, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन मैं बाकी भी ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे बी इरर ऑफ कमीशन, कमीशन इरर ऑफ कमीशन मतलब लाइक आपने एसेट का एसेट में एंट्री कर दिया कोई और एसेट में, लाइक आपका वो था बैंक बैलेंस था एंड आपने लाइक बैंक बैलेंस छोड़ो, आपने मतलब कोई करंट एसेट था आपको उसने बैंक बैलेंस में एंट्री कर दिया, बैंक बैलेंस था उसको नॉन करंट एसेट में है तो एसेट ही ना, तो मीन्स सेम क्लास ऑफ आइटम में एंट्री करना उसको बोलते हैं इरर ऑफ कमीशन। और इरर ऑफ कमीशन मतलब डिफरेंट क्लास ऑफ में एंट्री करना, लाइक आपका एसेट का एक्सपेंस में, ठीक है, लायबिलिटीज का आपने इनकम में डाल दिया उस टाइप का। कंपनसेटिंग इरर मतलब कि लाइक डेबिट साइड में 100 से लैक कर था, कोई और आपने जो एंट्री पास की वहाँ पे 100 से आपका लैक हो रहा है, तो दोनों कंपनसेट कर दिया 100 100, तो बैलेंस करेगा वहाँ पे 12 बैलेंस। ये बहुत ही कम ही होती है इस टाइप की इरर। सो रेस्ट जो 3 है BCD, ये आपका डबल एंट्री डबल साइडेड इरर है, एक्सट्रैक्शन इरर आपका वन साइडेड इरर है, सो आपका ए आंसर है। सो नाउ 248, ठीक है 248 देखते हैं। टू 48 में कहता है ट्रायल बैलेंस ऑफ बटलर को शो ए टोटल डेब्ट ऑफ 125819 एंड टोटल क्रेडिट ऑफ 118259। सो इट मीन्स हमारा सस्पेंस का कहाँ खोलेंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि वही कम दिख रहा है डेबिट से। सस्पेंस खुल गया, सस्पेंस का वो बनाएंगे कहाँ पे आएगा आपका क्रेडिट साइड में, तो प्रोवाइड बैलेंस यहाँ डालेंगे, कितना अमाउंट आएगा 125819 माइनस करिए 118251, वी विल गेट 7568, ठीक है। अब बोल रहा है ये सस्पेंस अकाउंट में जो बैलेंस है क्रेडिट साइड में, ये 4 ऑप्शन में से कौन पूरा इसको डिफाइन करता है, लाइक डिफरेंस को फुल्ली ओमिट करने में वो करता है, वो हम लोग को फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट वाला देखते हैं क्या बोलता है। कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड ऑफ 784 हैज बीन शोन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। सो कैरीज इनवर्ड कहाँ होता है, हमारा डेबिट साइड में होता है, पर हम लोग ने क्या कर दिया रॉन्ग साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड में दिखा दिया। तो यहाँ मीन्स हम लोग ने कैरीज इनवर्ड हम लोग ने क्रेडिट साइड में दिखा दिया ट्रायल बैलेंस के 3784, ठीक है। तो अब होना कहाँ चाहिए था इसको डेबिट साइड में, पर हम लोग ने कहाँ दिखा दिया क्रेडिट साइड में, तो डबल अमाउंट से इम्पैक्ट पड़ेगा। इसको करेक्शन करते वक्त हम लोग डालेंगे कैरीज इनवर्ड डेबिट एंड सस्पेंस इधर खुलेगा, सस्पेंस क्रेडिट। सी मान लो कि कैरेज इनवर्ड आप पे करते हो, एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन में नहीं है, कैरेज इनवर्ड हुआ ना, कैरेज इनवर्ड डेबिट, ठीक है, और कैश पे करते हैं तो कैश क्रेडिट करते हैं, ठीक है, पर कैश क्रेडिट हुआ तो कैश ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में जाएगा इफ क्रेडिट पे करें फॉर एग्जाम्पल। एंड आपने क्या कर दिया, आपने इसको कैरेज इनवर्ड को क्रेडिट साइड में डाला और कैश भी आपका क्रेडिट साइड में ही आया, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट खुलेगा डेबिट साइड में, सस्पेंस डेबिट साइड में खुलेगा। अब देखो, अब जैसे ये अमाउंट डालते हैं 3784 है ना, यहाँ पे देखो 3784 है एंड यहाँ पे 3784 है, ठीक है। अब 3784 यहाँ पे भी आ गई, तो हमारा डेबिट साइड में ये जो खुल रहा है ट्रायल बैलेंस, सॉरी ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे भी 3784 एक मिनट, 3784, तो कैश भी तो हमारा क्रेडिट साइड में ही है ना, तो कैश क्रेडिट 3784, ओके। अब इसको यहाँ पे डबल अमाउंट आएगा क्योंकि दो हमारा क्रेडिट एंट्री हुआ है, तो 3784 को डबल यहाँ पे अमाउंट जाएगा यानी कि 7568, ठीक है। अब सस्पेंस अकाउंट उल्टा क्रेडिट साइड में आएगा करेक्शन करने के लिए, सो 7568, और कैरेज इनवर्ड भी 7568 होगा क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए कि कहीं पे हम लोग को प्लस करने के बदले माइनस कर देते हैं। सेम अकाउंट में प्लस के बदले माइनस कर दिए, उसको वापस जब प्लस करना हो तो हम लोग डबल जो अमाउंट था ना उसका डबल लेके हम लोग प्लस करते हैं, ठीक है, क्योंकि डबल इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए तो यहाँ पे भी वही किया, जैसे हम लोग कैरेज इनवर्ड को डेबिट करना था, हम लोग ने क्रेडिट साइड में शो कर दिया, तो उसीलिए डबल इम्पैक्ट से वो अमाउंट जाएगा। तो ये हमारा करेक्शन इधर हो जाएगा। अब देखिए सस्पेंस अकाउंट कहाँ खुल रहा है, क्रेडिट साइड में, तो हम लोग क्रेडिट साइड में यहाँ बैलेंस डालेंगे, तो क्या ये इसको घटाएगी कि बढ़ाएगी? इसको और बढ़ा देगी ना, हम लोग घटाना है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये बस मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया बस। और आपका सेकेंड ऑप्शन क्या बोलता है, डिस्काउंट रिसीव ऑफ 3784 हैव बीन क्रेडिटेड टू द पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके, डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्या होती है हमारी, पेबल्स डेबिट, कितना अमाउंट है 3784, एंड आपका होता है डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट विद द सेम अमाउंट 3784, ठीक है। पर हम लोग ने क्या किया डिडू में, हैज बीन क्रेडिटेड टू पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, मींस डिस्काउंट रिसीव तो सही किया, डिस्काउंट रिसीव हमारा आपका क्रेडिट साइड में ही रखा, पर हम लोग ने पेबल को भी क्या कर दिया, क्रेडिट साइड में डाल दिया, तो सस्पेंस कहाँ खुलेगा हमारा, डेबिट साइड में। यहाँ पे भी हम लोग पेबल्स दिखा दिए, पेबल्स आपका सीआर विद द सेम अमाउंट 3784, सो सस्पेंस यहाँ खुलेगा आपका सस्पेंस डेबिट विद द टोटल, क्योंकि पेबल्स को हम लोग घटाना था, हम लोग ने बढ़ा दिया, तो डबल इम्पैक्ट 3784 का डबल 37568, ठीक है। अब करेक्शन करना है तो हम लोग सस्पेंस कहाँ पे, डेबिट साइड में, तो सस्पेंस को हम लोग लेके आएंगे क्रेडिट साइड विद अमाउंट 7568, एंड ठीक है। अब डेबिट साइड में क्या आना चाहिए था, पेबल्स आना चाहिए था डेबिट 7568, ओके। तो ये सस्पेंस अकाउंट फिर हमारा क्रेडिट साइड में ही खुल रहा है, सो ये हमारा सस्पेंस अकाउंट को और बढ़ाएगा, सो ये अभी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, हम लोग को घटाना है, जैसे जो फिगर है उसको हम लोग घटाना है। नॉट हॉट ऑप्शन देखेंगे क्या बोलता है, सेल्स डे बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 756 डे। सेल्स डे बुक अंडरकास्ट हुई, इट मींस हम लोग को इंक्रीज करना होगा, तो इंक्रीज करने के लिए डायरेक्टली रिसीवेबल्स करेंगे, रिसीवेबल डेबिट करेंगे, डेबिट कितना से 7568, एंड इंट्री सेल्स क्रेडिट 7568, सो ये यहाँ पे भी सस्पेंस अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ, सो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी करेक्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको करके देखेंगे कैसे हुआ। रो ऐड करना है, शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, तो एक ही करके करना पड़ा है। ओके, सो क्या बोल रहा है थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ओपनिंग एक्रूअल 756 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द रेंटल एक्सपेंस अकाउंट, सो इसका एंट्री क्या होती है, रेंट डीआर 7568, एंड एक्रूअल आपका क्रेडिट 7568, ओके। सो इसका एंट्री हम लोग क्या किया, ओपनिंग एक्रूअल ओमिट कर दिया, तो रेंट DR 7568 एंड यहाँ पे सस्पेंस खुलेगा, सस्पेंस SUSPENSE सस्पेंस क्रेडिट खुल जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसको ओमिट कर दिया है एक्रूअल को। तो ये ओमिट होने के बाद अब हमारा सस्पेंस अकाउंट जब करेक्शन करेंगे तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में। सस्पेंस डेबिट 7568 एंड आपका यहाँ पे एक्रूअल आ जाएगा, क्रेडिट 7568। अब देखिए हमारा सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे आया, डेबिट साइड में। तो ये हम लोग यहाँ पे आके एक्रूअल डालेंगे, एक्रूअल तो ये आ जाएगा 7568। ये हमारा सस्पेंस अकाउंट जीरो हो जाएगा। सो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे चलते हैं क्वेश्चन के। So 249, which of the following is the correct journal entry to according to his narrative? Okay, so Mr. Smith personal account and debit to director remuneration, so bonus allocated to the account of managing director Mr. Smith, so bonus allocation हुआ है तो हम लोग ये उल्टा होगा, means director remuneration debit and Mr. personal account credit, उनको bonus allocate हुई ना तो ये credit होगा, ये उल्टा हो गया है। सिमिलरली पर क्या है, ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट ऑफ रिपेयर टू बिल्डिंग कैरी आउट बाय एम्प्लॉय यूजिंग मटेरियल फ्रॉम द इन्वेंट्री, सो परचेज 14,000, वेजेस 24,000 एंड रिपेयर्स टू बिल्डिंग। ये भी उल्टा हो गया इसकी एंट्री, सो ये भी इनकरेक्ट है। एंड ओके, करेक्शन ऑफ एरर, सेल्स कमीशन पेड इनकरेक्टली डेबिटेड टू वेज एंड सैलरी अकाउंट। सो सेल्स कमीशन अगर पेड करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, सेल्स कमीशन टू कैश या फिर बैंक क्रेडिट जाएगा, सेल्स कमीशन डेबिट होगी। पर यहाँ पे उसने क्या कर दिया, सेल्स कमीशन के बदले वेजेस एंड सैलरी में डेबिट कर दिए। तो अब इसको करेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, वेजेस एंड सैलरी को क्रेडिट करना होगा एंड उसकी जगह डेबिट में क्या आएगा, सेल्स एंड कमीशन जो पेड किया है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड ऑप्शन डी भी देखते हैं हम लोग फिर भी। करेक्शन ऑफ ईयर रेंट रिसीव क्रेडिटेड इन ईयर टू रेंट पेबल अकाउंट। ओके, जब रेंट रिसीव होती है उसकी एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट टू रेंट रिसीव क्रेडिट, पर हम लोगों ने रेंट रिसीव क्रेडिटेड इन द ईयर टू रेंट पेबल अकाउंट। अब रेंट रिसीव के बदले हम रेंट पेबल को क्रेडिट कर दिया। अब उसको हम लोग करेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, रेंट पेबल अकाउंट को हम लोग को वापस से डेबिट एंड उसके बाद में हम लोग को क्रेडिट में रेंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट करना होगा। सस्पेंस अकाउंट तो खुलेगी नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 250 नंबर क्या बोलता है, ए ट्रायल बैलेंस ऑफ कोविड डिड नॉट बैलेंस एंड सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन फॉर द डिफरेंस। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरर वुड रिक्वायर टू एंट्री द सस्पेंस अकाउंट टू करेक्ट देम। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई कंपनी का सस्पेंस ट्रायल बैलेंस नहीं बैलेंस करता तो वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट खुला। अब इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हम लोग सस्पेंस अकाउंट खोलेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन बेसिकली। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, एक कैश पेमेंट टू purchase of motor van has been correctly entered in the cash book and but had been debited to motor expense account. Okay, जब मोटर पर हम लोग मोटर वैन परचेज करते हैं उस टाइम हम एंट्री क्या पास करते हैं, नॉन करेंट मोटर व्हीकल लेते हैं, सॉरी मोटर वैन, क्योंकि एसेट आया तो डेबिट एंड उसके बाद में कैश पेमेंट करें तो कैश क्रेडिट होगा सीआर। ठीक है, और उसके बाद अब ये हमारा शुड डू का एंट्री था, मतलब ये एंट्री होना चाहिए था, पर हम लोगों ने क्या किया, कैश पेमेंट टू परचेज अ मोटर वैन हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक, मींस कैश बुक में तो हम लोगों ने करेक्टली बराबर क्रेडिट किया एंड बट व्हाट वी डिड, बट हैड बीन डेबिटेड टू मोटर एक्सपेंस अकाउंट। अब मोटर एक्सपेंस अकाउंट में हम लोगों ने डेबिट कर दिया, मोटर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ओके, पर ये तो होना नहीं चाहिए था, है कि नहीं। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, मोटर जो एक्सपेंस अकाउंट हम लोग ने डेबिट किया है उसको तो घटाना होगा ना, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे तो घट जाएगा। उसके बाद डेबिट साइड में क्या आएगा हमारा, मोटर वैन, तो मोटर वैन आपका डेबिट। ठीक है, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ये नहीं खोल रहा है, सो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। सेकंड बोलता है डेबिट साइड ऑफ वेजेस अकाउंट हैड बीन अंडरकास्ट। ओके, सो डेबिट मींस वेजेस कहाँ पे होते हैं, डेबिट साइड। फॉर एग्जांपल हम इसमें बस करेक्शन पे जाते हैं, इसका वो नहीं समझते शुरू किया था। तो डेबिट साइड अंडरकास्ट हो रही थी, डेबिट साइड बढ़ाना होगा वेजेस का, तो वेजेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंस हमारा वेजेस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। एंड उसके बाद क्रेडिट साइड में आ जाएगा सस्पेंस, ठीक है। उसके बाद अब इसको करेक्शन करने के लिए सस्पेंस वापस नहीं, ये करेक्शन एंट्री यही है, ये करेक्शन एंट्री यही है। आपको ये बढ़ाना है ना, ये अंडरकास्ट कर रखा, हम लोग घटा रखे हम लोग, तो ये करेक्शन एंट्री भी यही होगा। तो ये हमारा टू डू है, यहाँ डाल देती हूँ, हाँ, क्योंकि वेजेस हमारा घट रहा था, उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने डेबिट साइड में वेजेस ऐड किया एंड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में खुलेगा। तो ये एक ऑप्शन चू हुआ हमारा आंसर। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट है कि ए टोटल ऑफ ए डिस्काउंट रिसीव कॉलम इन अ कैश बुक हैड बीन पोस्टेड टू द पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट करेक्टली एंड डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ओके फाइन, जब हम लोग को डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो हम लोग जॉइंट क्या पास करते हैं, पेएबल्स डेबिट। तो आप लोग ये क्वेश्चन को 3-4 बार इस चैप्टर को नहीं बनाओगे तो समझ नहीं पाओगे, क्योंकि सिनेरियो एक ही रहता है, बट वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि किसमें क्या होने वाला है, क्या होगा कह के। अब डिस्काउंट रिसीव का ही देखो, अभी तक हम लोगों ने 3-4 बार कर लिया, सो यू नीड ए प्रैक्टिस दिस चैप्टर एटलीस्ट 2 or 3 टाइम टू गेट ए कॉन्फिडेंट। ओके, कॉन्फिडेंस व्हाट पेबल्स, पेबल डेबिट एंड क्रेडिट साइड में क्या करते हैं, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके क्रेडिट। पर हम लोग ने क्या किया, पेबल्स में करेक्ट पोस्ट किया, पेबल्स में हम लोग ने करेक्ट एंट्री डाली, क्रेडिट हो गया, एक मिनट ऊपर, यस ये डेबिट होगा। सो हाँ, क्वेश्चन ये बोलता है टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव कॉलम इन द कैश बुक हैड बीन पोस्टेड पेबल अकाउंट करेक्टली एंड डेबिटेड टू परचेज। पेबल तो डेबिट था और फिर डेबिट में हम लोगों ने क्या किया, परचेज भी डाल दिया, परचेज। सो डेबिट अमाउंट हो जाएगा 3784, अमाउंट तो दिया ही नहीं है, अमाउंट पता नहीं कहाँ से आ गया। सो अब क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है तो सस्पेंस खुलेगा, सस्पेंस खुलेगा। अब करेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, सस्पेंस को उल्टा करेंगे, सस्पेंस आपका डेबिट, ठीक है। उसके बाद में क्रेडिट साइड में क्या आएगा हमारा, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। एंड आपने परचेज भी डेबिट किया, उसको भी घटाना होगा, परचेज हमारा क्रेडिट, ये हमारा। सो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, सो इट मीन्स 2 and 3, सो इट इज बी ऑप्शन, ठीक है। अब भी मैं फोर्थ वाला भी दिखा देती हूँ। सो क्या बोलता है, ए रिफंड टू ए क्रेडिट कस्टमर हैड बीन रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग द कैश बुक एंड क्रेडिटिंग द कस्टमर अकाउंट। ओके, जब कस्टमर को रिफंड करते हैं, क्रेडिट कस्टमर को रिफंड करते हैं, तब एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग सॉरी, रिसीवेबल्स डेबिट एंड कैश दे रहे, उसको जा रहा है बिजनेस से तो कैश या फिर बैंक जो भी हो आपका क्रेडिट होगा। पर हम लोग ने क्या कर दिया, एंट्री वी हैव डेबिटेड कैश बुक, कैश बुक को हम लोगों ने डेबिट कर दिया एंड आपने रिसीवेबल्स क्रेडिट कर दिया, उल्टा पास कर दिया। तो इसको रिवर्सल एंट्री हो गई। अब करेक्शन करने के लिए उल्टा कर देंगे फिर से, रिसीवेबल्स पर डबल अमाउंट होगा, बी केयरफुल, क्योंकि हम लोग ने, मैंने बोला ना ऐड के बदला अगर माइनस करो कोई अकाउंट में, सेम अकाउंट नॉट इन द डिफरेंट अकाउंट, अगर सेम अकाउंट पे ऐड के बदला माइनस करो, माइनस के बदला प्लस करो, सो अमाउंट डबल इम्पैक्ट पड़ेगा। सो आप ये अमाउंट यहाँ दिया नहीं है, सो यहाँ पे ये डबल अमाउंट हम लोग रखेंगे, ये उल्टा हुआ है। सो क्रेडिट ये, सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर इसका। सो 250 हो गया, हम लोग 251 पे चलते हैं। ओके, 251 क्या बोल रहा है, सो एन इंडिविजुअल ट्रायल बैलेंस फेल टू एग्री, ओके and suspense account was opened for the defense. So subsequently investigation revealed that cash sales had been debited to the purchase account and an entry on the credit side of cash book for the purchase of some machinery costing 18,000 had not been posted to the plant and machinery account. Which two of the following journal entry would correct the error? Okay. 251. So पहला क्या बोलता है कि कैश सेल में हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, कैश डेबिट टू सेल्स क्रेडिट अमाउंट क्या है 13,000, सेम अमाउंट ऊपर भी डाल देंगे 13,000 ओके। एंड पर हम लोग क्या किया, हैड बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट ओके, मीन्स हम लोगों ने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, कैश सही था, कैश डेबिट 13,000 एंड आपने फिर परचेज भी डेबिट कर दिया डियर 13,000 एंड क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है तो क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट खुलेगी, सस्पेंस क्रेडिट अमाउंट विल बी 26,000। अब करेक्शन करने के लिए क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट को हम लोग इंटरनेट चला गया, मोबाइल डेटा खोलो, डेटा खोलना आ गया। तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट है हमारा तो करेक्शन करने के लिए उल्टा करना होगा, सस्पेंस डेबिट करेंगे 26,000 और हम लोग क्या करेंगे, अब परचेज तो गलती से डेबिट हुई है उसको भी करेक्शन करना होगा, तो परचेज क्रेडिट 13,000 और क्या आना चाहिए था हमारा, क्रेडिट में सेल्स आना चाहिए था, सो क्रेडिट 13,000 ठीक है, ये हमारा करेक्शन। तो ये देखिए ऑप्शन कहीं पे है करेक्शन के लिए, ये रहा, तो ऑप्शन 3 एक करेक्ट आंसर है ठीक है। और दूसरा गलती क्या किया हम लोग ने, सो ऑन एंट्री ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ओके, मशीन परचेज करते हैं तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, मशीनरी डेबिट टू कैश या बैंक जो भी हो क्रेडिट जाता है, अमाउंट क्या है आपका 18,000, सेम अमाउंट वी विल पुट इन द डेबिट साइड ऑल्सो 18,000 ओके। एंड पर हम लोग क्या किया, क्रेडिट साइड ऑफ कैश फॉर परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 18,000 हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो मीन्स हम लोगों ने कैश ही जो था ना ये तो हम लोग ने पोस्ट किया पर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में हम लोग ने कुछ पोस्ट नहीं किया, तो यहाँ पे ये वन साइडेड एंट्री हुआ तो सस्पेंस खुलेगा, सस्पेंस डेबिट तो अमाउंट विल बी 18,000 ओके। अब करेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, सस्पेंस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे पहले क्योंकि वो डेबिट साइड में है, सस्पेंस आपका क्रेडिट 18,000 और क्या आना चाहिए डेबिट साइड में, प्लांट एंड मशीनरी, सो मशीनरी डेबिट 18,000। अब ये ऑप्शन देखिए कहीं पे है या 4, 3 and 4, सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर 252। ठीक है so this information is relevant to the question number 252 and 253 sorry open 252 and 253 and company draft financial statement for 2005 so a profit of 630,000 however the trial balance did not agree suspense account was appeared in the company financial statement okay so ab 252 mein kya puch raha hai, which of the above item would require an entry to suspense account to correct them okay theek hai। अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है. ए कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट 48,000 हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक एंड इन प्लांट अकाउंट एज 4800 एंड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर फोर्टी हैड बीन चार्ज. ओके, तो प्लांट परचेज करते हैं तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, तो प्लांट आपका डेबिट दैट इज व्हाट इज अमाउंट 48,000 एंड क्रेडिट साइड में कैश बुक डालते हैं. ठीक है, क्रेडिट सो दैट इज 48,000. ठीक है, पर हम लोगों ने क्या किया, प्लांट डेबिट में हम लोग 4800 डाला एज वेल एज कैश वाले में भी हम लोगों ने 4800 डाला. क्वेश्चन में यही बोला है, देखिए यहाँ पे कैश बुक एंड प्लांट अकाउंट एज 4800. ठीक है, तो अब हम लोगों को करेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों प्लांट डेबिट करेंगे. अमाउंट कितना से लैक हो रहा है, 48,000 डालना था, हम लोगों ने 4800 डाला, तो इट मींस 43200 से लैक हो रहा है, ये हम लोग डालेंगे. एंड कैश बुक में भी वही अमाउंट डालेंगे कि उसमें भी हम लोगों ने घटे किया है ना, तो 13200. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है 10% से, तो इसका 10% डेप्रिसिएशन करें तो कितना आएगा 4800. तो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेबिट टू हम लोग क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करते हैं क्रेडिट 4800 से करेंगे ना, क्योंकि अब 10% चार्ज हो रही है कि नहीं, तो 48 यही होना चाहिए ना डेप्रिसिएशन का चार्ज. पर हम लोग ने डेप्रिसिएशन में कितना चार्ज किया है एज पर द क्वेश्चन, 4480 यहाँ पे लिखा हुआ है. देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर 480 हैड बीन चार्ज, मींस इतना चार्ज हो चुका है. ठीक है, ये हम लोग ने किया है डेप्रिसिएशन. जब अमाउंट ही ऊपर गलत डाला था तो डेप्रिसिएशन भी तो कम ही डालेगा ना. अब हम लोग करेक्शन करना है तो हम लोग क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट. अमाउंट कितना से बढ़ाएंगे, हमारा 4800 था पर हम लोगों ने 480 दिखाया, इट मींस 4320 से बढ़ाएंगे, ऊपर भी वही करेंगे. ठीक है, 4320. तो ये सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे खुला नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा. एंड आपका सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, बैंक चार्जेस 440 अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट इन द दिसंबर 2005 बट हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कंपनी रिकॉर्ड. ओके, मतलब बैंक स्टेटमेंट था और हमारा कैश बुक नहीं है, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक चार्जेस, राइट, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है ना. बैंक चार्जेस डेबिट अमाउंट इज 440 एंड आपका कैश या बैंक गया, जो भी कैश या आपका बैंक कहो जो भी गया, क्रेडिट घटेगा ना, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो. पर हम लोग ने इसको दिखाया ही नहीं है कंपनी रिकॉर्ड में, तो ये सस्पेंस अकाउंट खोलेगी ही नहीं. तो उसके बाद में थर्ड क्या कहती है, वन ऑफ द डायरेक्टर पेड 800 ड्यू टू सप्लाई इन कंपनी के कंपनी पेबल लेजर बाय ए पर्सनल चेक. ए बुक कीपर डेबिट ए recorded debit to the supplier account but did not complete the double entry for transaction. Okay. और ये भी बोल रहा है, देखिए यहाँ पे के does not maintain a payable ledger control account. अगर यहाँ बोल देता के maintain a payable ledger control account तो हम लोग इसको इग्नोर करते क्योंकि इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन है. पर ये बोल दिया कि नहीं मेंटेन कर रहा है, सो वी विल गो फॉर इट. क्या इसका एंट्री होगा, अगर पे कर रहे हैं हम लोग सप्लायर को तो सो पेबल घटेगा पहले, पेबल्स विल बी डेबिट एंड अमाउंट इज 800 एंड उसके बाद में क्रेडिट साइड में क्या आएगा हमारा, कैश बैंक जो भी हुआ बैंक क्रेडिट 800. सो नाउ व्हाट वी डिड, हम लोग ने पेबल्स में तो एंट्री किया, पेबल्स में डेबिट हम लोग 800 दिखाया पर क्रेडिट साइड में कुछ नहीं पोस्ट किया उसने, सस्पेंस खुलेगा, सस्पेंस आपका क्रेडिट 800. ठीक है, अब सस्पेंस डेबिट साइड में करेक्शन करेंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर में सस्पेंस. पर क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, बस इतना पूछ रहा है कि आपका सस्पेंस अकाउंट कौन खोलेगा. पर फिर भी मैं बता देती हूँ 800 एंड आपका यहाँ पे आएगा कैश कैश लेस बैंक क्रेडिट 800. ठीक है, Up fourth option, a payment side of cash book had been understated by 10,000. तो payment side of cash book क्या होती है credit side में, तो हम लोग को वो understated हुआ है, बढ़ाना है तो cash आएगा आपका credit 10,000 और debit में आ जाएगा suspense to correct this error. Suspense आपका debit 10,000. ओके ये भी कहाँ से आ गई यार. ओके सो ये है आप सस्पेंस अकाउंट कौन कौन खोल रहा है आपका 3 and 4. सो बी इज आवर बी या इट इज द करेक्ट आंसर फॉर द 252 नंबर. अब 253 देखते हैं. व्हाट वुड बी द कंपनी प्रॉफिट आफ्टर द करेक्शन ऑफ द एबव एरर. ओके सो हम लोग को ऊपर में बोला गया प्रॉफिट इतना है, ठीक है, ये करेक्शन एरर से पहले का बता रहा है और यहाँ ऊपर में दिया हुआ है कितना है 630,000 मतलब 630,000 630,000. ओके तो अब बोल रहा है ये प्रॉफिट अब करेक्शन ये जो एरर जो हुआ इसके बाद हमारा प्रॉफिट कितना आएगा. ओके तो एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, अगर डेबिट और क्रेडिट साइड में दोनों एसओएपी का मींस एसेट और लायबिलिटीज का आइटम है तो हम लोग इग्नोर करेंगे. सिमिलरली अगर आपका पीएनएल का आइटम है दोनों डेबिट में भी क्रेडिट में भी एक ट्रांजेक्शन का, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन का, जैसे ये फर्स्ट वाला ये प्लांट एंड कैश, ठीक है, तो दोनों एसओएफपी का ही है आइटम तो इग्नोर कर देंगे हम लोग उस टाइम इग्नोर करेंगे. अगर दोनों एसओएफपी का या पीएनएल का आइटम है तो उस ट्रांजेक्शन इग्नोर करेंगे. अगर एक एसओएफपी का है या एक पीएनएल का है डेबिट साइड या क्रेडिट कोई भी तो हम लोग उसको लेंगे. जैसे यहाँ पे प्लांट है ये हमारा एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है तो ये नहीं होगा, इसमें कोई प्रॉफिट में इम्पैक्ट ही नहीं आएगा. सिमिलरली अब देखिए डेप्रिसिएशन देखते हैं. डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है और ये हमारा लायबिलिटीज है. इट मींस ये पीएनएल का एक आइटम तो है ना डेबिट में, इसको ये हमारा प्रॉफिट घटाएगा, ठीक है, तो कितना से घटेगा प्रॉफिट हमारा आपका 4320, ठीक है, ओहो 4320 इससे हमारा प्रॉफिट घटेगा. नेक्स्ट ये यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी. डेप्रिसिएशन. ओके अब यहाँ पे देखिए ये इस आइटम में बैंक चार्जेस हमारा क्या है एक्सपेंस है, कैश एंड बैंक हमारा एसेट है तो ये एक तो पीएनएल का आइटम एक एसओएफपी का है तो इसको भी लेंगे. बैंक चार्ज क्या है हमारा एक्सपेंस है तो ये भी हमारा प्रॉफिट घटाएगा. तो बैंक चार्जेस कितना आएगा आपका -440, ठीक है. अब देखिए इसमें देखिए ये कैश एंड बैंक का एक आइटम है एसेट है तो यहाँ पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा. एसओएफपी का आइटम है नो इम्पैक्ट. सिमिलरली इसमें भी आपका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, एक एसओएफपी का आइटम है. सो नाउ हमारा प्रॉफिट क्या आएगा 63123 तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 625240. यहाँ पे पीएनएल का आइटम था उसलिए मैंने नहीं लिया, सो डोंट गेट कंफ्यूज और आपका आंसर ये है. ओके जो ऑप्शन है आपका डी, ठीक है, डी आंसर. नाउ टू फिफ्टी नंबर, ठीक है, को क्या बोलते हैं ओके. So trial balance of Aflo company does not agree and suspense account has been opened and inventory bought at a sales tax inclusive cost 470 has been credited to the payable ledger control account and sales tax has been correctly recorded in sales tax account and total 47 has been recorded in the purchase account. So what entry is required to correct this error? Okay, fine. So, पहले देखते हैं क्या करना चाहिए था हम लोग को. हम लोग इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं तो उसका एंट्री क्या होता है परचेज डेबिट, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4700 वो आपका टैक्स इंक्लूड करके है तो इसमें 4000, ठीक है, क्योंकि टैक्स रेट 17.5 है, तो आपको ये कैलकुलेट करने आता होगा ना, क्योंकि वो इंक्लूड है। तो 4700 इंटू 17.5 डिवाइड बाई 117.5 करो तो आपका 4000 आएगा। सो सेल्स टैक्स नाउ, सेल्स टैक्स ये आपका डेबिट होगा 700 एंड आपका पेबल्स होगा क्रेडिट 4700। ये हमारा ये एक्चुअल एंट्री था, पर हम लोग ने क्या किया, inventory what has been credited to the payable ledger account and sales tax account has been recorded in session. Okay, so 47 had been recorded in purchase account. Okay, so purchase account में आपने क्या किया, डेबिट में 4700 डाल दिया 4000 का बदला, एंड सेल्स टैक्स अकाउंट में करेक्ट एंट्री डाली, सेल्स टैक्स अकाउंट में आपने करेक्ट एंट्री डाली, एंड इवन दो आपने पेबल्स में भी करेक्ट एंट्री डाली, ठीक है, क्रेडिट 4700। अब ये अब हमारा क्रेडिट साइड में 700 से लैग करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सस्पेंस खुलेगा, सस्पेंस क्रेडिट, ठीक है, वो भी 700 से, क्योंकि आप टोटल करके देखो खुद ही, आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड में 700 लैग करेगा, तो हम लोग उसको बैलेंस करने के लिए सस्पेंस यहाँ पे खुलेगा। अब इसको करेक्शन करने के लिए सस्पेंस कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड में लेके आएंगे, डेबिट 700 और परचेज को घटाना है क्योंकि वो 700 से बढ़ रहा है, तो परचेज डालेंगे, परचेज आपका क्रेडिट 700। ये हमारा एक्चुअल एंट्री है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू 255। क्या बोल रहे हैं, ओके okay. 255 क्या बोल रहा है, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर Galat business for the year in 31st July 2010 show a profit for itna prior to the correction of the following error. Okay, what is the correct profit of Galat for the year ended 31st July 2002? Okay, so ये profit था उसका पहले इतना, ये गलती होने से पहले का। अब ये गलती होने के हम लोग करेक्शन करने के बाद क्या प्रॉफिट रहेगी, तो 1/1 करते हैं, ठीक है। सो पहला देखते हैं, ठीक है, कैश ड्रॉइंग हैड नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। ओके, तो कैश ड्रॉइंग अकाउंट नहीं हुआ, उसका हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, ड्रॉइंग आपका डेबिट एंड 250। उसके बाद कैश जा रहा है तो कैश आपका होगा क्रेडिट 250। ओके, अब देखिए ये होने के बाद में ये प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट करती है हम लोग देखते हैं। ड्रॉइंग कहाँ जाता है हमारा एसओएपी में, कैश भी कहाँ जाएगा एसओएपी में, बिकॉज दोनों एसओएपी का आइटम है। मैंने बोला ना अगर दोनों डेबिट एंड क्रेडिट में एसओएपी का आइटम है, सो देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट। ओके, सो ये इम्पैक्ट नहीं करेगी, तो यहाँ पे ये प्रॉफिट कोई इम्पैक्ट है नो। तो हम लोग यहाँ पे एक और कॉलम बनाते हैं सो दैट की आपको ईजी हो। एक मिनट, तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे लिख देती हूँ, नो इम्पैक्ट। ओके, अब सेकेंड ऑप्शन क्या बोलता है, ए डेबिटिंग डेब्ट अमाउंट टू 420 विच वेर प्रोवाइडेड अगेंस्ट इन द फुल ड्यूरिंग द ईयर शुड हैव बीन रिटन ऑफ एज रिकवरेबल। ये ईयर में ही, ड्यूरिंग द ईयर मतलब ईयर के बीच में ही ये रिटन ऑफ हो गया, हम लोग को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सो अगेन ये हमारा प्रॉफिट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। Third option, rental income 300 had been classified as an interest receivable. Okay, so हम लोग rental income में क्या entry pass करते हैं, rental income के लिए cash या bank जो भी आएगा। Okay, cash bank debit and हम लोग rental income credit करते हैं, rental income credit. But what we did, हम लोग ने rental income has been classified as interest receivable. Cash bank तो ठीक था, ठीक है, कैश बैंक आपका डेबिट था, पर आपने रेंट इनकम को आपने इंटरेस्ट रिसीव कर दिया, इंटरेस्ट रिसीव। तो अब इसको करेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, इंटरेस्ट रिसीव को हम लोग को डेबिट करना होगा एंड रेंटल इनकम को हम लोग को क्रेडिट करना होगा, ठीक है, इनकम क्रेडिट। सो देखो अब ये दोनों एसओएपी का आइटम, सॉरी पीएनएल का आइटम है, अगेन देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि दोनों मैंने बोला अगर दोनों डेबिट एंड क्रेडिट पीएनएल का आइटम हो या फिर एसओपी का आइटम है सो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड 200 इन कैश वाज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर बट नो बुक कीपिंग एंट्री हैव बीन मेड। ओके तो इसका एंट्री क्या होगा करना होगा, तो हम लोग को कैश आ रहा है डेबिट और रिसीवेबल्स घटेगा क्रेडिट। अगेन कहाँ से 13,000 आ गई है। सो ये इसका करेक्शन एंट्री होगा 200 का। अब बताओ कैश कहाँ जाता है एसओपी में एंड रिसीवेबल कहाँ जाता है एसओपी में। दोनों एसओपी के आइटम है, प्रॉफिट को इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। सो हमारा प्रॉफिट सेम रहेगा दैट इज 44,250 दैट इज आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके एंड 256 करते हैं।